दोस्तों स्वागत है आपका नवा संडे न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित से अपडेट एवं अलर्ट न्यूज के साथ दोस्तों बात कर रहे हैं मौसम अलर्ट की। दोस्तों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है इन 5 राज्यों में भारी बारिश का 2 दिनों का, साथ ही इन महानगरों में प्रवेश करने वाला है मानसून। तो कौन सा मानसून सक्रिय हुआ है और क्या है मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप तमाम अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, तितली के बाद सक्रिय हुआ मानसून। दोस्तों कुछ दिन पहले ही तितली तूफान सक्रिय हुआ था और इसके थमने के बाद ही दूसरा मानसून सक्रिय हो चुका है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी से पिछले दिनों उठे चक्रवाती तूफान तितली के थम चुका है, लेकिन इसके बाद सक्रिय हुए मानसून दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की है। यह उत्तर पूर्वी मानसून अगले 24 घंटों में दक्षिणी राज्यों में सक्रिय हो जाएगा और मौसम विभाग के अनुसार तितली की वजह से ठिठका उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप में तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में शनिवार से सक्रिय हो जाएगा। विभाग के मानसून के कारण इन इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई थी, जैसे कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हुई भी है और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। तो शनिवार से सक्रिय होने की संभावनाएं थी इसकी। दोस्तों आज रविवार है और कल और मंगलवार तक की और संभावनाएं व्यक्त की गई है कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। तितली के थमने से हुआ सक्रिय, दोस्तों विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर से पहले सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान तितली के कारण उत्तर पूर्वी मानसून ठिठक गया है और तितली की गति थमने के बाद अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए अब उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हुआ है। 3 महीने से सक्रिय रहता है यह मानसून। दोस्तों हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहने वाला उत्तर पूर्वी मानसून 5 दक्षिणी राज्यों में बारिश होती है। यह मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान बारिश की कमी को पूरा करता है। मौसम विभाग ने इस साल उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप इलाकों में सामान्य बारिश होने की संभावनाएं जताई है। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों विभाग ने रविवार, सोमवार और मंगलवार और शनिवार तक, शनिवार को भी अलर्ट जारी हुआ था, तो यह मंगलवार तक सोमवार तक उसकी संभावना है कि तमिलनाडु, पांडुचेरी, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वैसे मुख्यतः यह जो मौसम विभाग का अनुमान है यह शनिवार और रविवार को था, परंतु मौसमी परिस्थिति को देखते हुए यह अलर्ट दोस्तों सोमवार और हम कह सकते हैं मंगलवार तक यह अलर्ट जारी है। तो यहाँ के लोग सतर्क रहे और सावधान रहे। अब जानते हैं कौन कौन से महानगर है जिनमें प्रवेश कर सकता है मानसून, पूर्वोत्तर मानसून दस्तक दे सकता है। दोस्तों क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC ने कहा है कि जल्द ही पूर्वोत्तर मानसून दस्तक देने वाला है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भले ही तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हो रही हो, लेकिन शुक्रवार तक चेन्नई के सूखे रहने की उम्मीद है। हालांकि चेन्नई में शुक्रवार सुबह हुई बारिश एवं बादलों भरी शनिवार की सुबह से पूर्वोत्तर मानसून के पहुँचने का इशारा कर दिया है। RMC के एक अधिकारी ने बताया कि मानसून की स्थिति पर मौसम विभाग बारीक नज़र लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद पूर्वोत्तर मानसून के तुरंत दस्तक देने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने शनिवार को चेन्नई और पांडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने की घोषणाएं की थी, जो कि कुछ क्षेत्रों में हुई भी थी। गौरतलब है कि तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में ज़्यादातर बारिश पूर्वोत्तर मानसून से होती है और यह मानसून जो है अक्टूबर दिसंबर के मध्य रहता है। दोस्तों 2017 में तमिलनाडु एवं पांडुचेरी में संयुक्त रूप से 401 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने हाल ही अक्टूबर के पहले हफ्ते के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन कुछ घंटों में ही इसे वापस भी ले लिया था। हालांकि मौसम विज्ञान चेन्नई के उप निदेशक एस बालचंद्रन ने बताया है कि पवन वितरण एवं नमी वितरण में बदलाव के कारण इस चेतावनी को वापस लेना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि मौसम अनुमान के एक जटिल प्रक्रिया बताते हुए कहा कि मौसम विज्ञान की भी अपनी सीमाएं होती हैं और मौसम विज्ञान सिर्फ अनुमान लगा सकता है, 100% किसी चीज़ को नहीं कह सकता। इसलिए मौसम विज्ञान चलता है दोस्तों मौसमी सिस्टम के ऊपर। जैसा मौसम सिस्टम बनता है मौसम विभाग वैसा अलर्ट जारी कर देता है और वो खबर हम आप तक पहुँचा देते हैं। तो मौसम विज्ञान तो दोस्तों मौसम के ऊपर है, यदि मौसम में अलर्ट जारी किया है तो कुछ देर बाद मौसम परिवर्तन भी हो सकता है, अतः मौसम विज्ञान इसलिए अलर्ट जारी करता है कि आप लोग सतर्क रहे सावधान रहे। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में हमने बताया आपको, इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और जो यहाँ के लोग सावधान रहे सतर्क रहे और जो है अपनी जान माल की सुरक्षा करके रखें, नहीं तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं और उनको और अन्य परेशानियाँ हो सकती है।
तो दोस्तों सतर्क रहे, सावधान रहे, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप दोस्तों की तमाम अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है आप लोगों के लिए मौसम विभाग का या अन्य किसी भी से संबंधित चीज़ों का, तो हम आपको तुरंत उससे सतर्क करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।